हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए टॉपिक के साथ। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट 800 स्क्वायर फीट हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, जो कि मैंने साइज जो लिया है 20 फुट बाय 40 फुट है, जो सिविल वर्क है। ठीक है, ये पूरा सिविल वर्क के बारे में हम बात करेंगे। 800 स्क्वायर फीट के घर जो आज के डेट में अगर हम बनाते हैं तो उसमें कितना कॉस्ट आ जाएगा और क्या क्या मटेरियल आएगा और उन मटेरियल का क्या कॉस्ट पड़ने वाला है, तो वीडियो में बने रहिएगा, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। तो करते हैं, लेट गेट स्टार्ट नाउ। अब स्टार्ट कर लेते हैं आज की सेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे सीमेंट की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीमेंट है हमारा, राइट। यहाँ पे एक सेकेंड, मैं नंबर कर देता हूँ आप सभी के लिए। तो थोड़ी सी ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से 10 आइटम है हमारे पास, राइट। 10वें आइटम के बारे में हम एक डिटेल से सीखेंगे। पहला है हमारा सीमेंट, जो कि 250 बोरी सीमेंट यूज हुआ है 800 स्क्वायर। इसमें क्या क्या काम किया है मैंने, ब्रिक वर्क, प्लास्टर वर्क, फ्लोरिंग, अब प्लस आपका जो यूज हुआ है स्लैब कास्टिंग, फाउंडेशन वगैरह, स्ट्रक्चर के सारे पार्ट्स। 800 में कितना, 250। जो मार्केट प्राइस रेट की बात करें, 420 रुपये आज की डेट में अल्ट्राटेक सीमेंट है। अगर जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 1,05,000 रुपया। और आपके एरिया में सीमेंट का रेट क्या है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। अब बात करेंगे सैंड के बारे में। जो 825 CFT सैंड हमारा यूज हो गया है, जिसको हम बालू कहते हैं, राइट। क्या कहते हैं, बालू कहते हैं। इस बालू 825 CFT हो गया, जिसमें कि मार्केट प्राइस रेट आज की रेट में आपको देखिए 57 रुपीज की रेट है, राइट। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास रिजल्ट आएगा 47,025 रुपया। वीडियो छोटी है, पूरा लॉन्ग वीडियो नहीं है, वीडियो पूरा देखिएगा। और बहुत सारे अभी टिप्स हैं, मतलब आपको तरीके भी बताऊंगा, कौन सी मतलब उसमें क्या यूजेबल होता है कंक्रीट का, कौन से रेशियो यूज करें, ठीक है। इसलिए वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। अब एग्रीगेट जो है हमारे पास वो 710 है, जो अभी एच पर साइट यूज हुआ है। एग्रीगेट 41,890 रुपया। जो ब्रिक जो यूज हुआ है पूरी बिल्डिंग में 13,480, कितना 13,480 नंबर ब्रिक्स यूज हुआ है। मेरा मार्केट के अकॉर्डिंग जो है 8,200 रुपये की ईट है, एक नंबर ईट मिलेगा आपको 8.2 रुपीज एक ब्रिक का, मतलब 8 रुपया 20 पैसा एक ब्रिक का दाम पड़ता है। अब जो दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आएगा 110,536 रुपये, राइट। अब इम्पोर्टेंट चीज जो है आपका स्टील है। स्टील में जो यूज मैंने किया है स्लैब में, बीम में वगैरह वगैरह, एवरीथिंग, स्लैब हो गया, बीम हो गया और उसमें भी हो गया, ये फाउंडेशन हो गया, सारी चीज को मिलाकर जो स्टील जो हुआ है 1750 के जी लगा है। कम देनों का स्टील लगाया है गया है, तो कम देनों के स्टील 68 रुपीज मार्केट के प्राइस के अकॉर्डिंग है। आपके तरफ क्या है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं अपडेट कर दूंगा। जब इन क्वांटिटी को और इस अमाउंट को आप मल्टीप्लाई करते हो, गुणा करते हो, तो आपके पास आएगा 1,19,000 रुपया, क्लियर है। अब देखो जो स्टील आता है, स्टील के साथ हमारा स्टील वायर आता है, जो एक स्टील दूसरे स्टील को बांधने का काम करता है, राइट। तो स्टील वायर 20 केजी यूज हुआ है, जो कि मार्केट प्राइस रेट देखा जाए 85 रुपीज है। आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 1700 रुपीज स्टील में। अब बात आती है मेन गेट की। जो मेन गेट जो एंट्रेंस पे जो मेन गेट होता है हमारा, वो 7 फीट बाय 7 फीट का है, राइट। तो 7 फुट बाय 7 फुट में जो कॉस्ट आया था 26,500 रुपया लगाया था, 26,500 रुपये एक गेट का आया था। अब एक गुना इतने ही करूंगा तो वही अमाउंट आएगा आपके पास, राइट। अब बात करते हैं डोर। 800 स्क्वायर फीट में 6 दरवाजे हैं, जो कि 6 दरवाजे में जो यूज हुआ था, एक दरवाजे का जो कॉस्ट मैंने निकाला था 580 रुपया। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 33,480 रुपया। अब बात आती विंडो की। विंडो हमारे पास जो एक विंडो का जो कॉस्ट निकल के आया था 48 रुपया आया था। आप 5 विंडो के लिए मल्टीप्लाई कर लोगे टोटल क्वांटिटी 5 गुना 4800, तो आपके पास आएगा 24,000 रुपया।
अब बात आती लेबर चार्ज, लेबर चार्ज को क्या रेट दे और हमारे साइड पे क्या रेट लिया है। हमारे साइड पे 210 रुपया रेट लिया है, सॉरी इसमें नहीं, हमारे साइड पे 210 रुपया की रेट लिया है। क्या लिया है? 210 रुपया की रेट लिया है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा 1,68,000 रुपया। बात आती है 800 स्क्वायर फीट में का जो कॉस्ट लेबर चार्ज जो पड़ा है मेरे को 210 रुपया पर स्क्वायर फीट। इसमें क्या क्या करके दिया उसने, देखो फाउंडेशन, प्लेन बीम, बीम स्लैब कास्टिंग, सेल्टरिंग, और आपका सरिया की बंधाई जो करते हैं, जो एस पर साइड जो सरिया बंधवाते हैं सरिया लोहार से, वो भी इसमें इंक्लूडेड है, आपको अलग से कोई चार्जेस। हाँ, लेकिन काम देने से पहले मैं हर वीडियो में वही बात कहता हूँ कि कोई भी काम अगर कॉन्ट्रेक्टर को देते हैं तो एक बार फाइनलाइज अच्छे तरीके से करें, उससे होगा क्या, आपकी बचत होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम अगर काम जिस टाइम आप देते हो अगर हर चीज आप क्लियर नहीं करते हो तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज लगा दिया जाता है और वो कॉस्ट आपके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज। इस वीडियो में और इस टॉपिक में सिर्फ ये कवर नहीं है कि प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल और पेंट पुट्टी, बाकी आपका सारे कवर है। ठीक है, अगर आप ये काम कराते हो प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रिकल का और पुट्टी का, ये कॉस्ट आपका अलग से बैठेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।